हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पिछली क्लास में हमने वैद्युत धारिता स्टार्ट किया था और उसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था वैद्युत धारिता की अविधारणा। और लास्ट में आपको ध्यान होगा हमने उस पर एक सूत्र ड्राइव किया था, क्यू इजिकल टू सी भी, सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी। साथ ही हमने बताया था वैद्युत धारिता की जो मात्रक होता है वो फैरड होता है, और उसके हमने दो छोटे छोटे मात्रक भी निकाले थे, जिसको हमने पिको फैरड बराबर 10^-12 फैरड होता है, और 1 माइक्रो फैरड बराबर 10^-6 फैरड होता है। तो आज हम वहीं से अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित का अर्थ होता है आइसोलेटेड, अर्थात जो एकांकी है, केवल एक रखा हुआ है। और ऐसा जो विलगित है, आइसोलेटेड है, वह एक गोली चालक है और उसकी हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस तरीके का एक हमने गोली चालक ले लिया। मान लेते हैं ये गोली चालक का केंद्र है, इसको हम मान लेते हैं O से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसकी गोली चालक की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहे हैं। माना इसको जो हमने आवेश दिया, क्यू आवेश इसको दिया प्लस क्यू आवेश। हम जानते हैं जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पूरा आवेश चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है एक समान रूप से, अर्थात वह चालक के भीतर आवेश नहीं आता। इस बात को हमने जब गॉस के प्रमेय में लिया था, हमने कोई एक खोखली गोली चालक लिया था तो वहां पर भी हमने इस बात को दिखाया था। फिर हमने एक ठोस गोली चालक लिया था, वहां पर भी हमने ये बात करी थी कि जो भी आवेश होता है यदि किसी चालक को दिया जाए तो वो हमेशा उसके पृष्ठ पर फैल जाता है एक समान रूप से, वो उसके भीतर संचित नहीं होता। तो यदि हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है तो पूरा आवेश कहाँ फैल जाएगा, इसके पृष्ठ पर फैल गया। मान लेते हैं इस तरीके से फैल गया इसके पृष्ठ पर। अब माना ये जो गोली चालक है इसकी धारिता सी है, तो हम लिखते हैं माना गोली चालक की धारिता बराबर है सी। हमें इसी सी का मान ज्ञात करना है। तो हमने पीछे हमारे को सूत्र पता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम कहते हैं सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी के। ये हमने पिछली क्लास में ये सूत्र हमने ड्राइव किया था, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब हमें ये तो पता है कि ये जो हमारा गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसको हमने जो आवेश दिया उस आवेश की मात्रा तो हमें पता है प्लस क्यू है, पर हमें ये नहीं पता कि इसके जो विभव है वो कितना होगा। तो यदि हम इसकी धारिता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो विभव के लिए हम कहते हैं कि माना गोली चालक के पृष्ठ पर विभव दी है। मान लेते इसके पृष्ठ पर जो है वो विभव कितना ले लिया हमने, दी है। अब हमने पीछे एक डेरिवेशन किया था, हमने कहा था किसी गोली चालक के पृष्ठ पर जो विभव का मान था, वहां हमने सीधे सूत्र ड्राइव किया था। हम लिखते हैं चूंकि किसी गोली चालक के पृष्ठ पर जो विभव होता है, इसका सूत्र हम पहले से जानते हैं, वी इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और साथ में आता है इसको कितना आवेश हमने दिया है, यह क्यू आवेश। बेटे हमने कितनी दूरी पर आवेश याद कर रहे हैं, क्योंकि पृष्ठ पर याद कर रहे हैं तो केंद्र से यहां तक की जो दूरी है वह गोली की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर होगी। यहां हमने वैद्युत विभव वाले चैप्टर में इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो अब हम यदि इस समीकरण में हम लिखते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण एक है, तो हम कहते हैं समीकरण एक में वी का मान रखने पर जब मान रखें तो क्या होगा, हम जानते हैं सी
इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन डी। अब वी क्या वैल्यू तो इतनी 1.45 क्यू पर कैपिटल आर के बराबर है, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ गया क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 साथ में है क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो देखिए क्यू से तो क्यू कट जाएगा। अब ये जो 4πε0 आर है ये इस हर के भी हर में है, तो हम जानते हैं यदि हमारे पास कोई एक भिन्न है और उसका हर भी एक भिन्न है तो हर का जो ये नीचे वाला हर होता है यह अंश में चले जाता है, यानी कि सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4πε0 इंटू कैपिटल आर। और यही हमारे इस विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 4πε0 आर। तो हम यहां से देख रहे हैं सी अनुक्रमानुपाती है एक तो कैपिटल आर, कैपिटल आर यानी कि गोले की त्रिज्या, हम लिख सकते हैं कैपिटल आर क्या है गोले की त्रिज्या। इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे हम बड़ा गोला लेते जाएंगे अर्थात जैसे जैसे गोले की त्रिज्या बढ़ाएंगे, यदि गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो गोले का आकार भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं गोले की त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस चालक की जो धारिता है सी वह भी बढ़ती चली जाएगी। एक बात हमें यहां पर से यह पता चली। दूसरा हम देख रहे हैं संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन जीरो यानी कि इसके अगल बगल के माध्यम पर भी निर्भर है, अर्थात अगल बगल के जो हमारा माध्यम है गोले के बाहर का जो माध्यम है उसका जो वैद्युतशीलता है उसका मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस चालक की जो धारिता होगी सी उसका मान भी बढ़ता चले जाएगा। तो यहां से हमें यह दोनों बातें ध्यान रखनी है, सी अनुक्रमानुपाती भी है एप्सिलॉन जीरो यानी कि जो भी माध्यम है, यहां पर एप्सिलॉन जीरो का तो अर्थ है वायु या फिर निर्वात, लेकिन अगर इसकी जगह कुछ दूसरा भी ले लें तो हमें पता होना चाहिए कि जो धारिता होगी उस चालक की वह उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो हम उसको निरावेशित अवस्था से अर्थात उसके अंदर जब आवेश शून्य है उसे हम निरावेशित अवस्था कहते हैं। तो जब हम उसको निरावेशित अवस्था से उसको आवेशित अवस्था तक लाते हैं तो हम उसको कुछ ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उसको आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में हमारी जो ऊर्जा खर्च होती है वही ऊर्जा उसके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हमें इस डेरिवेशन में यही ज्ञात करना है कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उसको आवेशित करने में उसके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है, मान लेते हैं मेरे पास एक ये चालक है, यह चालक इसकी प्रारंभ में माना चालक पर प्रारंभ में आवेश जो है वह बराबर हम मान लेते हैं शून्य है। अब मान लेते हैं इसको मैं कहीं से कैपिटल क्यू आवेश देना चाह रहा हूं, तो मैं इस चालक को कैपिटल क्यू आवेश देना चाह रहा हूं, आवेश की जो कुल मात्रा है वह कैपिटल क्यू से प्रदर्शित हो रही है। जब यह आवेश इसको दिया जाएगा तो यह आवेश एक ही झटके में तो इसके अंदर नहीं चल पाएगा, तो यह आवेश धीरे धीरे करके इसके अंदर संचित होगा। ठीक ये उसी प्रकार का प्रोसेस है जैसे हम अपनी मोबाइल की बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो हमारी मोबाइल की बैटरी जैसे ही हम प्लग से कनेक्ट करते हैं तुरंत एकदम 100% तो नहीं होती है, वह धीरे धीरे होकर के चार्ज होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी चालक को क्यू आवेश देते हैं तो यह आवेश छोटे छोटे हिस्सों में बट करके इसके अंदर पहुंचता है। तो मान लेते हैं छोटे छोटे जो हिस्से हैं उनको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं dq, इसी प्रकार से बहुत सारे हिस्से हैं। तो प्रारंभ में जब ये पहला dq हिस्सा इस चालक पर जाता है जिसका कि प्रारंभ में आवेश कितना है शून्य, तो ये dq आवेश इस चालक पर जाने में हमें कोई ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि यह चालक इस dq आवेश को आसानी से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। मान लेते हैं ये जो आवेश है कैपिटल क्यू ये धनात्मक आवेश है, तो ये dq आवेश पे सारे धनात्मक ही होंगे क्योंकि ये इसी के छोटे छोटे हिस्से। तो जब पहला dq आवेश हमने क्या इसके अंदर गया
तो हमें कुछ कार्य नहीं करना पड़ा। अब इसके अंदर मान लेते हैं डीक्यू आवेश आ गया। अब जब हम इसको, ये वाला तो इसके अंदर पहुंच गया, अब जब हम इसको इसके अंदर से ले जाते हैं तो अब ये वाला अंदर का डीक्यू आवेश, क्योंकि ये क्या है धनात्मक और ये वाले भी कैसे धनात्मक, तो अंदर वाला डीक्यू आवेश इस डीक्यू आवेश को अंदर आने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इस पर कैसा आवेश है धनावेश और इस पर भी कैसा आवेश है धनावेश, तो अंदर वाला डीक्यू आवेश बाहर वाले डीक्यू आवेश को प्रतिकर्षित करता है। अब यदि हम इसको इसके चालक के भीतर डालना चाह रहे हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो हमने थोड़ा सा कार्य किया और यह डीक्यू आवेश भी इसके अंदर समाहित हो गया मान लेते हैं। अब इसके बाद जब अगला ये वाला डीक्यू आवेश आता है, इसके अंदर फिर से आता है, तो अब क्या होता है यह दोनों के दोनों आवेश मिलकर के इस नए डीक्यू आवेश को इसके अंदर आने से रोकते हैं, वही प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन अब आप देखिए जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो पहले की अपेक्षा दुगना हो गया है। तो हर अगले स्टेप पे, हर अगले डीक्यू आवेश को अंदर आने ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके इस आवेश को इस चालक के भीतर डालना पड़ेगा। तो हम अंदर के आवेशों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करते हैं इस आवेश को इस चालक के भीतर पहुंचाने में, यही इस चालक के भीतर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम कहते हैं माना किसी क्षण चालक पर आवेश बराबर मान लेते हैं क्यों है, हमने डीक्यू डीक्यू आवेश दिए तो मान लेते हैं किसी टाइम कुल जो इसके अंदर आवेश है उसकी मात्रा होगी क्यों, आवेश क्यों है तथा क्यों आवेश देने से जो चालक का विभव बढ़ेगा, चालक का विभव भी शुरू में शून्य रहा होगा, जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, आवेश शून्य होगा तो उसमें विभव भी शून्य होगा। मान लेते हैं जब क्यों आवेश इसके अंदर पहुंच गया तो माना चालक का जो विभव है वह बढ़ करके हो गया कैपिटल वी। अब हम कहते हैं माना चालक की जो धारिता है उसको हम सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इस क्षण, जिस क्षण की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि चालक पर आवेश क्यों है तथा इसका विभव कैपिटल वी है, उस समय जो धारिता होगी सी, सी बराबर हो जाएगी क्यू अपॉन वी के हो जाएगी, और यहीं से हम वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं इसका अर्थ हुआ वी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी के। मान लेते हैं ये वाली हमारी समीकरण क्या होगी, एक होगी। अब हम कहते हैं कि माना मैं डीक्यू आवेश को, जैसे हम कह रहे थे यहां पर डीक्यू आवेश को इसके अंदर लाना चाह रहा हूं, और इसमें पहले से कितना आवेश है क्यू आवेश है, तो यह वाला क्यू आवेश इस डीक्यू आवेश को इसके अंदर आने से रोकेगा। यह रोकेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इसको अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि यह सूक्ष्म आवेश है जो हमें इसके अंदर ले जाना है। तो मान लेते हैं हम जो कार्य कर रहे हैं वह भी सूक्ष्म है, तो हम लिखते हैं माना डीक्यू आवेश को चालक को देने में किया गया कार्य बराबर कितना है डीडब्ल्यू है। अब हमें इस कार्य का मान ज्ञात करना है कि ये जो डीडब्ल्यू कार्य है यह कितना होगा, तो डीडब्ल्यू कार्य निकालने के लिए हमें थोड़े से पीछे के सूत्र अपने देखने पड़ेंगे। हम एक सूत्र जानते हैं, हमारा सूत्र होता है चूंकि v इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, हम ये सूत्र जानते हैं। यहां से यदि हम w का मान निकालें तो w बराबर हमारा हो जाएगा v गुणा क्यू के। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे dw का मान निकालने के लिए। तो यहां हमारा सूत्र था, तो हम कहेंगे अतः dw किया गया कार्य dw। अब हम कितना आवेश ले जा रहे हैं अंदर, हम अंदर ले जा रहे हैं dq आवेश, तो यानी कि इस वाले सूत्र में जो आवेश की मात्रा है वो dq है, तो हम लिख लेंगे
क्यू की जगह कितना आ गया डी क्यू गुणा। जब हम डी क्यू आवेश को इस चालक पर भेज रहे थे उस समय चालक पर आवेश की मात्रा तो क्या थी क्यू और चालक का विभव कितना था वी। तो यहां पर विभव की जगह वी का वी आ जाएगा। हमने कहा चालक का विभव कितना हो गया वी। तो यहां हमारा वो किया गया कार्य हो गया जो कि हमने डी क्यू आवेश को इस चालक के भीतर पहुंचाने में किया है। पर हम कितना आवेश पहुंचाना चाह रहे हैं कुल, हम तो कैपिटल क्यू आवेश पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इसलिए पूरे कैपिटल क्यू आवेश को इस चालक के भीतर पहुंचाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अतः कुल आवेश कैपिटल क्यू को चालक को देने में किया गया कार्य। तो हम जैसे पहले करते थे हम इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे। ये हमारा गया dw बराबर इधर का समाकलन है तो इधर का भी समाकलन होगा, यहां भी समाकलन का निशान, ये हो गया v into dq आ गया। अब हमने ये समाकलन करा है और हम कह रहे हैं कि कुल आवेश q को चालक को देने में किया गया कार्य हमें निकाला। तो सबसे पहले जब शुरुआत हमने करी थी उस समय चालक पर आवेश कितना था हमें पता है, प्रारंभ में चालक पर आवेश कितना था जीरो। तो हमारी शुरुआत कहां से हुई थी, जब चालक पर आवेश कितना रहा होगा शून्य, और अंत में हम चालक को कितना आवेश देना चाह रहे हैं कैपिटल क्यू। तो इस समाकलन की जो उच्च सीमा होगी वो क्या हो जाएगी कैपिटल क्यू हो जाएगी। अब इस समीकरण में हम समीकरण एक से वी का मान रख रहे हैं तो वी बराबर है क्यू अपॉन सी। तो हम लिखते हैं समीकरण एक से वी का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये कुल कार्य तो किसके बराबर आ जाएगा W के बराबर आ जाएगा और इधर की ओर आ जाएगा जीरो से लेके कैपिटल Q तक और साथ में आ जाएगा V की वैल्यू हम देख रहे हैं यहां Q अपॉन C के बराबर है। तो लिख देंगे Q अपॉन C और साथ में क्या हो गया dQ। अब ये समाकलन है, इस समाकलन में हमने आपको पहले भी बताया था समाकलन का अर्थ होता है कि डी के बाद जो भी आपका चर है या जो भी निशान है वही चर है वही बदलेगा, बाकी इस समाकलन के निशान के अंदर इंटीग्रेशन के निशान के अंदर अन्य जो भी चीजें होंगी वह सब नियतांक लिए जाएंगे कॉन्स्टेंट लिए जाएंगे तो उनको समाकलन से बाहर जाए। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू बराबर क्योंकि डी के बाद क्यू है तो क्यू अंदर आ जाएगा बाकी सी बाहर आ जाएगा। तो यानी वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से लेके सीमा कैपिटल क्यू और साथ में आ जाएगा क्यू इंटू डी। अब हम यह समाकलन का एक और सूत्र जानते हैं, हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया है, समाकलन एक्स की घात एन इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यह हमारा क्या है सूत्र होता है समाकलन का। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यहां पर x की जगह क्या है q और n की जगह क्या है q का कुछ नहीं है तो घात कितनी एक तो है ही और साथ में d के बाद x है तो यहां पर x की जगह क्या है q। तो बिल्कुल यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो यह आ गया w बराबर वन अपॉन सी q क्योंकि घात एक है तो x की घात n प्लस वन यानी कि q की घात n प्लस वन का अर्थ कितना हो गया एन की जगह वन प्लस वन और अपॉन एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन क्योंकि यहां एन की जगह यहां कितना एक है एन की जगह एक एक्स की क्योंकि घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये आ गया। साथ में समाकलन की सीमाएं हैं जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक तो लिख लेंगे जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। तो ये हमारा मान आ गया डब्ल्यू बराबर वन अपॉन सी ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया टू सीमाएं आगे जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। अब हम इस q की वैल्यू अंदर लाएंगे तो पहले दो को बाहर ले जा लेते हैं तो हम कहते हैं यह वन अपॉन टू सी अंदर आ गया q स्क्वायर सीमा यहां की जीरो से लेके कैपिटल q तक ये हम निकाल रहे हैं कार्य। अब जब हम इसका कार्य का मान निकालेंगे
डब्ल्यू बराबर, तो आगे का पद तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी कि 1/2 c तो ऐसा आ गया। हमने आपको पहले भी बताया था इस सीमाओं का अर्थ होता है कि अंदर वाले q जो कि हमारा चर था, इस q की जगह सबसे पहले इस उच्च सीमा का मान रखा जाए यानी कि कैपिटल q, फिर माइनस का निशान लगाया जाए, फिर इस q की जगह निम्न सीमा यानी कि q बराबर 0 रखा जाए। तो ऐसा ही हम करते हैं, तो यह आ गया 1/2 c, स्मॉल q की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल q स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इस q की जगह क्या लिख लेंगे 0, तो यह आ जाएगा 0। तो w बराबर आ जाएगा, ये हट जाएगा, आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। तो यह हमारा क्या हो गया, किया गया कार्य हो गया। हमने आपको शुरुआत में ही कही थी कि जो हम कुल कार्य करेंगे वही हमारी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसी को हम लिखते हैं u बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। तो यह हमारा क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब यदि हम q को अन्य पदों में लिखें, हम जानते हैं q इज इक्वल टू होता है हमारा c इंटू वी। इस सूत्र में से q का मान यहां रखें तो यह आ जाएगा u बराबर 1/2 q की जगह c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c। तो इस c से दो में से एक घात कट जाएगी, एक रह जाएगी, तो u की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी आ गई 1/2 c v स्क्वायर। तो यहां हमारे पास स्थिति की ऊर्जा का एक और सूत्र आ गया है। अब हम इसको यदि v को भी बदलना चाहें, हम लिखते हैं इस वाले सूत्र में हमारा c और q था, और इस वाले सूत्र में हमारा c था v है। अब यहां पर से हम यदि c भी हटा लें तो हमारे पास सूत्र यही है, तो हम लिखेंगे चूंकि c बराबर होता है q और v के, यहां मान यदि यहां रख दें तो हमारा लिखेंगे u बराबर 1/2 c की जगह q ओपन v, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा v स्क्वायर, स्क्वायर से एक भी कट जाएगा, तो u बराबर 1/2 q इंटू वी के बराबर होगा। तो यहां हमने स्थिति ऊर्जा के तीन सूत्र यहां पर निकाल लिए हैं। पहला सूत्र ये वाला है u बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, दूसरा सूत्र है u बराबर 1/2 c v स्क्वायर, और तीसरा सूत्र है u बराबर 1/2 q इंटू वी। है तो यह एक ही सूत्र है लेकिन यह अलग अलग पदों में है, तो आपको इन तीन सूत्रों का क्या लाभ मिलेगा? जब कभी आप आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो आंकिक प्रश्नों में आपको यदि स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए कही जाए और आपको यदि q और c दिया हो तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, यदि आपको c तथा v दिया हो तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, और यदि आपको q तथा v दिया हो तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने जो सूत्र निकाला था वो सूत्र निकाला था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, हम जानते हैं ये किसी चालक की धारिता का सूत्र है, और साथ में हमने एक गोली चालक की धारिता का सूत्र भी निकाला था C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R। तो अब हम निकाल रहे हैं कि धारिता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला होता है जो कारक है वह है चालक का आकार, चालक का आकार, चालक का आकार, चालक का आकार जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चालक की जो धारिता होगी वह बढ़ती चली जाएगी। हमने जब यह सूत्र निकाला था गोली चालक की धारिता, तो हमने देखा था C जो था वो अनुक्रमानुपाती था R के, यानी कि C प्रोपोर्शनल था कैपिटल R के। तो वहां से हमने निष्कर्ष निकाला था कि जो गोली चालक की धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चालक की धारिता भी बढ़ती जाएगी। तो ठीक वही नियम यहां पर लागू हो रहा है कि जैसे जैसे किसी चालक का आकार बढ़ाते चले जाएं वैसे वैसे उस चालक की विद्युत आवेश को धारण करने की जो क्षमता होगी वह बढ़ती चली जाएगी। दूसरा इसमें आता है चालक की आकृति, आकृति, यदि हम किसी चालक का आकार, दो हम चालक लें उन दोनों चालकों के आकार तो
दोस्तों एक जैसे हों, यानी कि उनके साइजेस सेम हो, लेकिन उनकी आकृतियां अलग अलग हो। तो हम आगे देखेंगे यदि चालकों की समान आकार रखने पर भी यदि उनकी आकृतियां अलग अलग हों तो उन चालकों की जो धारिताएं होगी वह अलग अलग होती है। अर्थात किसी चालक की जो धारिता होती है वह उस चालक की आकृति पर भी निर्भर करती है। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक आता है वह आता है समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति। हमने इस सूत्र में देखा था जो चालक की धारिता होती है उस समीपवर्ती माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन जीरो इसके अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात समीपवर्ती माध्यम की विद्युतशीलता जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी ही तेजी से जो चालक की जो धारिता होगी वह भी बदलती चली जाएगी। तो इस प्रकार से समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति पर भी क्या होता है चालक की जो धारिता होती है वह निर्भर करती है। चौथा हमारा आता है समीपवर्ती अन्य चालकों की उपस्थिति। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम किसी चालक के समीप कोई दूसरा चालक रख दें, कोई दूसरा कंडक्टर रख दें, तो ऐसा करने पर भी किसी एक चालक की या पहले चालक की जो धारिता होती है वह परिवर्तित हो जाती है, वो बदल जाती है। और बदलती भी क्या है, यदि एक चालक के समीप पर दूसरा चालक रख दिया जाए तो जितना ज्यादा समीप इसको रखेंगे उतना ही पहले चालक की जो धारिता होगी वह बढ़ जाएगी। तो हमें यह पता चल गया कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं। पहला चालक है चालक का आकार, अर्थात यदि चालक का आकार बढ़ाएं तो चालक की धारिता बढ़ जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच में अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। दूसरा है चालक की आकृति, यदि समान आकार की दो हम चालक लें लेकिन उनकी यदि आकृतियां अलग अलग हों तभी भी उन दोनों चालकों की जो धारिताएं होगी वह अलग अलग होगी, अर्थात चालक की धारिता उसकी आकृति पर भी निर्भर करती है। तीसरा है समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति। यह तो हम यहां से समझ ही गए कि जितना ज्यादा किसी चालक के समीपवर्ती जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा उसकी धारिता बढ़ जाएगी, तो यह भी इसके अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा हमने कहा समीपवर्ती अन्य चालकों की उपस्थिति। तो हमने यह भी कहा कि यदि किसी एक चालक के समीप दूसरा एक अन्य चालक रख दिया जाए तो पहले चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले मूल चालक की धारिता निकाली और उसमें हमने देखा हमारा फार्मूला सी बराबर 4π0 कैपिटल आ रहा था। उसके बाद हमने किसी चालक को आवेशित करने में जो हमारी स्थिति ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न होती है उसके लिए भी हमने डेरिवेशन किया था, जो निकला था U=1/2 CV², उसके अलावा दो और फार्मूले निकले थे। और लास्ट में हमने यह निकाला है कि किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।